नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत कुमार है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं मेनली जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी में स्पेशलाइज करता हूं। तो मेरे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस हैं रिगार्डिंग मल्टीपल टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बोन हेल्थ। सो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे लिगामेंट इंजरी के बारे में, पर्टिकुलरली घुटने के अराउंड जो लिगामेंट्स होते हैं उनके इंजरी के बारे में। तो जो हमारा घुटना होता है, नॉर्मली घुटने में चार मेजर लिगामेंट होते हैं। दो लिगामेंट साइड से होते हैं, जिसको बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होता है इसको बोलते हैं MCL लिगामेंट, जो बाहर की तरफ होता है इसको बोलते हैं लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। एक लिगामेंट होता है जो घुटने के आगे वाले पार्ट में होता है, इसको बोलते हैं ACL लिगामेंट। ये पीछे होता है उसको बोलते हैं PCL लिगामेंट। तो ये चारों लिगामेंट जो है हमारे घुटने के बहुत ही घुटने के स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसमें कोई भी एक लिगामेंट टूट जाता है तो इससे आपका घुटना का जो स्टेबिलिटी है, यानी घुटने का जो बैलेंस है, वो अफेक्ट होता है। तो उसके लिए उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो आज हम मेनली आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि चार लिगामेंट होते हैं, तो इसमें जो सबसे कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है वो है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी, उसको ACL इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ACL इंजरी कैसे होता है, नॉर्मली खेलने के दौरान या फिर चलने के दौरान आपका पैर ट्रिप कर जाता है। नॉर्मली सबसे कॉमनली ये इंजरी स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं इसको, खेलने के दौरान होता है, फुटबॉल खेलने में या बैडमिंटन खेलने में। अगर आपके पैर में इसको एक पर्टिकुलर फोर्स होता है, ट्विस्टिंग इंजरी होती है आपके पैरों में, तो उससे आपके घुटने का लिगामेंट डैमेज होता है। ठीक है, तो सबसे कॉमनली उसमें ACL इंजरी है। तो होता क्या है, मान लीजिए खेलते जब आप खेल रहे हैं उसमें आपका पैर ट्विस्ट हो गया और आपके घुटने में सडनली कुछ आवाज़ आती है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये लिगामेंट इंजरी का लक्षण है। तो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है कि आपको घुटने में दर्द होगा, दर्द के साथ स्वेलिंग होगा। तो ये सारे साइंस हैं कि कुछ नीज में कुछ इंजरी हुई है जो कि सिग्निफिकेंट है। तो कैसे इसको डायग्नोज करते हैं, तो नॉर्मली तो ये इनिशियल फ्यू डेज में काफ़ी पेनफुल होता है, आपके घुटने में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग रहेगी, आपको चलने में दिक्कत होगी, घुटना मोड़ना डिफ़िकल्ट होगा। तो इनिशियली जो है, जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, नॉर्मली आप आइस अप्लाई कर सकते हैं, आप एक ब्रेस यूज कर सकते हैं जिसको पहन के आप थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, और अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो कैसे इसको डायग्नोस करते हैं कि कौन सा लिगामेंट इंजरी हुआ है, तो जो सबसे कॉमन, नॉर्मली तो डॉक्टर आपको पहले एग्जामिन करेंगे, आपके घुटने को एग्जामिन करेंगे। घुटने को एग्जामिन करने के बाद ये पता चल जाता है कि कौन सा लिगामेंट डैमेज हो रहा है। उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम लोग पेशेंट के ऊपर करके देखते हैं क्लिनिकली, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपका ACL लिगामेंट टूटा है या PCL टूटा है या MCL टूटा है। तो एक फेयर आइडिया हम लोग को क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लग जाता है। तो सबसे पहला आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और एक आइडिया देंगे कि कौन सा लिगामेंट इंजरी हुआ है। उसके बाद अपने सस्पिशन को कि एक पर्टिकुलर लिगामेंट इंजर्ड हुआ है उसको कन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मली एक्सरे में लिगामेंट्स इंजरी का पता नहीं चलता है, क्योंकि लिगामेंट जो है एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और एक्सरे में बोनियर स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। तो इसके लिए एक्सरे सही इन्वेस्टिगेशन नहीं है। नॉर्मली हम लोग MRI रिकमेंड करते हैं। MRI में जो लिगामेंट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, उनको क्लियरली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इंजरी हुआ है लिगामेंट का तो कंप्लीट टीयर है या पार्शियल टीयर है, या टीयर है तो कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो जो करेक्ट इन्वेस्टिगेशन है वो MRI है। MRI पे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि लिगामेंट इंजरी है या नहीं है, अगर है तो पार्शियल है या कंप्लीट है। तो एक बार आपकी डायग्नोसिस हो गई कि लिगामेंट इंजरी हो गया आपको, ACL टीयर है, तो फिर आगे क्या करना है। सो नॉर्मली हम लोग सर्जरी के लिए समटाइम्स
एक से दो हफ्ते हम लोग वेट करते हैं। इसका इलाज नॉर्मली सर्जरी होता है, बट जब तक कि आपका नी में काफ़ी स्वेलिंग है, पेन है, तो जब तक ये नी काफ़ी हॉट है तो जब तक ये साइलेंट नहीं हो जाता तब तक हम लोग सर्जरी के लिए वेट करते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 weeks का टाइम लगता है। तो इन 2 से 3 हफ्ते में आपको हम लोग एक वॉकर या क्रच से कहेंगे वॉक करने के लिए, एक बेल्ट का सपोर्ट देंगे जिसको पहन के चल सकते हैं। आपको आइस पैक यूज़ करना है जिससे स्वेलिंग जल्दी कम होगा, और आपको अपना नी का मूवमेंट करने के लिए कहेंगे जिससे कि आप अपना घुटने का पूरा रेंज ऑफ मोशन लेकर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।